बागेश्वर में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अधिवेशन का आयोजन किया। इस अधिवेशन में उनका कहना था कि सरकार उनको नजरअंदाज कर रही है और साथ ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एकजुट करने के लक्ष्य से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भ्रमण पर हैं। उत्तरकाशी से शुरू किया गया ये भ्रमण बागेश्वर तक जा पहुंचा। बागेश्वर पहुंचे चतुर्थ श्रेणी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2.5 सालों से कर्मचारियों के मांग पत्र शासन की टेबल पर पड़ा है, लेकिन आज तक शासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। शासन को दिए गए मांग पत्र में उनकी प्रमुख मांग ग्रेड पे को लेकर है। साथ ही समूह के पदों को निरस्त न कर उन पदों पर भर्ती प्रारंभ करना भी उनकी मांगों में शामिल है। उनका कहना है कि शासन हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। यदि सरकार ने जल्द ही समस्याओं का निवारण नहीं किया तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। दरअसल चतुर्वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ का एक 7 सूत्री मांग पत्र जो है विगत 2.5 सालों से शासन की टेबल पर पड़ा हुआ है, जिसमें हमने एक मांग की थी कि जो हमारा ग्रेड वेतन की अंतिम व्यवस्था है वो 2800 है, उसको संशोधित करते हुए जो है 4200 किया जाए। उसके अतिरिक्त हमने मांग की है कि जो समूह के पदों को समाप्त किया गया है, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पलायन बढ़ रहा है। जहाँ एक और सरकार पलायन के लिए चिंतित है, बेरोजगारी के लिए चिंतित है, वहाँ पर जो आराम से उपलब्ध हो जाने वाला एक गांव के आदमी को पर्याप्त होने वाले पदों को जो है समाप्त किया जा रहा है, उसका हमने विरोध किया है। और हमने कहा है कि जो है उसके जगह जो है नियमित नियुक्ति हमारे पदों को खोला जाए। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।